ये वाला लिखाया था अगला, ये वाला लिखाया था, इसका इसका क्या लिखाया था बोल बोलो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइक एसिड। ये वाला नाम तुम्हारा बहुत काम आने वाला है, ये वाला नाम तुम्हारा बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन, बोलो, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल, और इसमें कौन सा मैंने बताया था इसका, बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल, ये भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद बोलना चाहूँ, एक और मैंने नाम लिखाया था, कौन सा लिखाया था बोलो, तुम लोग बोलो, सब बोलो, लिखते जाओ। यहाँ पर CH3, इसका नाम क्या होगा बोलो, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। लग रहा होगा आप लोगों की सर तो पुराना ही पढ़ा रहे हैं वापस, है ना, लग रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं हम बोलो, बेंजल्डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम बेंजल्डिहाइड, ये वाला नाम फिर काम आएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बोलो, इसके ऊपर क्या लगाओ बताओ, सी, इसका नाम क्या होगा, NH2, क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, या फिर क्या बोलेंगे इसको, बेंजेनामाइड। बात क्लियर हुआ, ये वाला काम आने वाला तुम्हारा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल नाम बताओ, मिथाइल बेंजीन, इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, मिथाइल बेंजीन। अब समझ में आ गया कैसे बोलेंगे, किसको समझ में आया ये, मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, और इसको, हाँ नहीं आया समझ में, क्या समझ में आया, मिथाइल बेंजीन समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, टोलुइन, क्या बोलेंगे, ये तुमको याद रखना है, ये तुमको याद रखना है, तुमको कई बार पूछा भी गया था टोलुइन वाला, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अभी देखो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नाम बोलो इसका, IUPAC, देखो इसका IUPAC नेम बोलो क्या होगा, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ये तो इसका नाम है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं एक और, ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं बताओ, आप सुनो बात को ध्यान से समझना, यहीं से तुम्हारा पॉइंट अब स्टार्ट हुआ है, मतलब कल जो बचा हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगाए, मतलब कोई भी ग्रुप लगाए, जी का मतलब कोई भी ग्रुप, अगर इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में मैं अगर पोजीशन बोलना चाहूँ, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में मैं अगर पोजीशन बोलना चाहूँ तो क्या बोलूंगा बोलो। देखो इसको बोलेंगे इप्सो पोजीशन, क्या बोलेंगे, इप्सो। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो। इसको क्या बोलेंगे, मेटा। और इसको क्या बोलेंगे, पेरा, ठीक है, समझना समझना, ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा। इप्सो छोड़ दो, इप्सो मतलब ग्रुप, ग्रुप जो है जिससे कार्बन जुड़ा रहेगा वो आपका क्या हो गया बोलो, इप्सो, वो छोड़ो, ऑर्थो मेटा पेरा मतलब ओ माय पापा, ऑर्थो मेटा पेरा, सिंपल ये याद रखो, ऑर्थो मेटा पेरा, ध्यान रखना, ऑर्थो मेटा पेरा, ऐसा कोई मत बोलना आप, ऑर्थो पेरा मेटा, क्या बोलोगे, ऑर्थो मेटा पेरा। अरे सिंपल सी बातें, तुमको बस सिंपल ओ माय पापा से ध्यान रखो, ठीक है, सिंपल बातें, ऑर्थो मेटा पेरा, कभी गलती मत करना। अगर मैं बोलूं कि, अब ये बोलो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको बोल सकता हूँ ऑर्थो, ऑर्थो के लिए क्या लिखता हूँ, ओ, ऑर्थो के लिए क्या लिखता हूँ मैं, ओ, ऑर्थो मिथाइल टोलुइन लिख सकता हूँ। ये पूरा का पूरा क्या है,
टोलुइन ही है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, टोलुइन, या फिर इसका दूसरा नाम है, दो अगर सी एच थ्री होगा तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो जाइलीन, क्या बोलेंगे, ऑर्थो जाइलीन। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं आपसे, ये बहुत अक्सर पूछे गए क्वेश्चन है और तुम लोगों को घुमा के पूछेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया तुमको, ऑर्थोमेटापेरा, ऑर्थोमेटापेरा समझ में आया, मुझे ये बताओ, इप्सो ऑर्थोमेटापेरा वो आपने लिखा हुआ है, ये लिख लिया है, लिखते भी जाओ साथ साथ, इसको लिखते भी जाओ पूरा फिर से, हाँ फिर से, मैंने भी फिर से समझाया ना, तो तुम्हें भी फिर से लिखना है, मैं फिर से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कल का बच गया था इसके बाद का, इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे से लिया। अब समझ में आ गया आपको मेनली कौन से नाम ध्यान रखने। देखो बेटा सुनो, इसको मैं बोलूंगा मिथाइल बेंजीन, इसको मैं क्या बोलूंगा, लेकिन यहां पर मैंने एक स्पेसिफिक ले लिया ना, इसको इसको हम टोलुइन बोलते, तो सीधा मैंने टोलुइन लिख दिया, ठीक है। वैसे ही हम करेंगे यहां पर, अगर सी डबल ओ एच ग्रुप के साथ कोई अटैच होगा तो सीधा क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड। आई बताऊंगा तुम लोगों को बताऊंगा। यहां तक समझ में आ गया, ये दोनों आपने लिखा, तो इसका बोलो, इसका क्या लिखोगे, इसका क्या लिखोगे जल्दी बताओ। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, बोलो जल्दी से, CH3CH3, जल्दी बताओ इसका क्या लिखोगे, मेटा, नहीं मेटा से नहीं, पहले सिंपल बोलो, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, यही लिख सकते हो। दूसरा क्या लिखोगे, मेटा मिथाइल, जल्दी बोलो, इस पूरे को टोलुइन बोलते हैं, समझ में आ गया टोलुइन का नाम, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे मेटाजाइलिन, क्या बोलेंगे, मेटाजाइलिन, ये पूरे नाम ध्यान रखो तुम लोग, अभी से ही मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये पूरे नाम आप लोगों को ध्यान रखने आज से और अभी से परमानेंट मेमोरी में। कैसे लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है, यहाँ से तुम्हें थोड़ा मगअप करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, तो मगअप कर लेना इन सबको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलना चाहूँ, इसको क्या बोलेंगे बेटा, आप बोलो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ बेटा, इस पॉइंट के बाद लिख लेना, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, टोलुइन डेरिवेटिव्स, इसके ऊपर लिख लेना टोलुइन डेरिवेटिव्स, ये तीनों के तीनों क्या है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, तीनों के तीनों क्या है बेटा, टोलुइन डेरिवेटिव्स, नेम ऑफ टोलुइन डेरिवेटिव्स, मतलब टोलुइन से ही बने हैं ना ये आपके टोलुइन से बने, तो इस चीज को ध्यान रखो, ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं ये वाले ग्रुप को, टोलुइन, ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, फिर से बोलो, पक्का क्लियर हुआ, कभी गलती करोगे आप इस ग्रुप में। अब देखो इसका नाम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, आगे बोलो, पेरा मिथाइल टोलुइन या फिर पेराजाइलिन, क्या बोलेंगे इसको, क्लियर हुआ ना। आपको कैसे भी नाम दे सकता है, ठीक है, ये वाला लिख लिया तुम लोगों ने। अब तुम लोग खुद से बोलना, इतना तुमको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट देखो ध्यान से, इसका नाम क्या होगा, बेंजेनॉल, वेरी गुड, क्लियर हुआ, इसका नाम क्या होगा, बेंजेनॉल, और बेंजेनॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल, क्या बोलते हैं हम लोग, क्लियर हुआ बात, ये बेंजेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल, बात क्लियर है। अगर मुझे इसका नाम लिखना हो, बोलो अब, क्या लिखूंगा बोलो, ऑर्थोमेटा छोड़ो अभी तो, आईयूपीएसी बोल, देखो इन तीनों में कौन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, अल्कोहल करेगा, और ये सारे सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां से नंबरिंग करते हैं,
ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, बोलो नाम। फोर ब्रोमो, टू क्लोरो, समझ में आया, टू क्लोरो, टू क्लोरो बेंजिनोल की जगह क्या लिखते हैं सीधा, फिनोल। क्या लिख देंगे सीधा हम लोग, फिनोल, क्योंकि इसका बेस नेम अब मुझे पता पड़ गया। क्या होता है इसका बेस नेम, फिनोल होता है। इसका बेस नेम क्या होता है बेटा, अब फिनोल, समझ में आ गया, फिनोल समझ में आ गया, पक्का किस किस को क्लियर हुआ, समझ में आ गया ये। तो फिनोल से बनने वाले फिनोल, इसको हम आप क्या बोलेंगे हमेशा परमानेंट मेमोरी में ध्यान रखो, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोल, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फिनोल। ये बात ध्यान रखना है आपको। आप बताओ टोलुइन का याद हो गया तुमको, फिनोल का याद हो गया, पक्का भूल जाओगे, नहीं भूलोगे ना, बस इतना काफी है। अब देखो इसके बाद फिनोल का क्लियर हुआ तुम लोगों को, चलो जल्दी जल्दी करो। फिनोल का क्लियर हुआ, टोलुइन किसे बोलते समझ में आ गया, टोलुइन किसे बोलते समझ में आ गया, फिनोल किसे बोलेंगे समझ में आ गया। बस अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, बस उतना, इसके बाद ज़्यादा नहीं है। अब देखो इसमें समझो, इसमें इसमें अभी तुम्हें थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर चालू होंगे मैं तुम्हें बार बार नाम पूछ पूछ के याद ही करा दूंगा नाम, उसकी चिंता न करो। इसमें एरोमेटिक में मत करो, एरोमेटिक का नेमिंग आपसे उतना टफ भी नहीं है और पूछेगा भी नहीं, ठीक है, उतना ज़्यादा। मिथाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं, टोलुइन, दोनों नाम अब याद रखना स्टार्ट करो, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, अब ये बताओ ये वाला ग्रुप किसकी तरह बिहेव करता है, अमाइन की तरह, तो इसको बोलते हैं जनरली हम लोग अमाइनो बेंजीन, क्या बोलेंगे, अमाइनो बेंजीन। बट इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, क्या बोलते हैं इसको, अब ध्यान रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन, लिख लो ये भी, ये तुमको याद करने पड़ेंगे, मगअप करने पड़ेंगे। और मगअप करने का सिंपल सा तरीका क्या है, डेली पढ़ो, सुबह शाम 5 दिन, मैक्सिमम बातें याद हो जाएगी, इसका कोई नया वो भी नहीं है, सिंपल ऐसे याद करते जाओ। ये समझ में आ गया, अगर मैं इसमें से कोई क्वेश्चन पूछूं तो बताओगे आप लोग, आप बताओ इसका नाम कैसे लिखोगे बेटा, इसका नाम कैसे लिखोगे बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका नाम कैसे लिखोगे, आप बताओ, नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, बोलो कि क्या लिखोगे, 4-ethyl, 2-methyl, क्या है लिखेंगे, एनिलीन। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या लिख रहे हैं, एनिलीन, क्यों लिख रहे हैं एनिलीन हम, क्योंकि बेंजीन से हमारा क्या जुड़ा हुआ है बेटा, NH2 ग्रुप, बेंजीन से हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2, ठीक है। अगला देख लो, एरोमेटिक का उतना ध्यान भी नहीं रखना है वैसे तो, तुम लोगों को मैं याद करवा दूंगा। समझ में आ गया, पक्का सोच लो, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बेटा बताओ, ओआर ग्रुप को क्या बोलते हैं, ओआर ग्रुप को क्या बोलते हैं, तुमने इंडेक्स में पढ़ा है, एल्कोक्सी कुछ बोलते हैं, OR को एल्कोक्सी, मैंने लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था, निकालो इंडेक्स, उसके लिए प्रीफिक्स ही लिखते हैं, उसके लिए केवल और केवल क्या लिखते हैं, सफिक्स नहीं लिखते बेटा, जिसके लिए प्रीफिक्स लिखते हैं ना वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही बिहेव करता है, बस आप सोच लो उसमें किस किस के प्रीफिक्स मैंने लिखा है, वो केवल और केवल किसकी तरह बिहेव करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। आप बताओ इसका नाम क्या होगा,
मेथॉक्सी बेंजीन, हो गया नाम क्लियर, हो गया नाम क्लियर। इसको बोलेंगे मेथॉक्सी बेंजीन, या फिर शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे बताओ, सोचो। चलो ठीक है, एनिसोल, एनिसोल क्या बोलेंगे, एनिसोल। जब ओ सी एच थ्री होगा, सी टू एच फाइव होगा, तब नहीं होगा। इस नामों को ध्यान रखो, अगर मैंने ऐसा नाम बना दिया कोई, मान लो मैंने ऐसा कर दिया ओ सी एच थ्री, बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, चलिए बताओ, बताओ कैसे करोगे। वन टू थ्री फोर, क्या लिखोगे, फोर ब्रोमो टू क्लोरो एनिसोल। समझ में आ गया अब नाम, समझ में आ गया बेटा। ओ सी एस थ्री क्या है यहाँ पर, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, बात को ध्यान से समझना। ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप बताया था, यहाँ पर ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये सब ध्यान रखना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है इसलिए वन से स्टार्ट किया, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है इसलिए फंक्शनल ग्रुप पे आर आर एफ पी डी पहले लगाते हैं, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को पहले करते हैं, ठीक है, बताया था। यहाँ पर तीनों सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पर आर एफ पी डी लगाए, यहाँ से जाएंगे तो वन टू पे कम आ जाएगा, ठीक है। ये बात को थोड़ा सा समझो, कोशिश करो तुम लोग इसको, इसको एनालिसिस कर करके ही होगा ये पूरा, इसमें कोई उसमें समझाने वाली बात नहीं है। किसी को ये वाला समझ में नहीं आया तो बताओ, नाम समझ में आया तुम लोगों को, एनिसोल समझ में आया, पक्का सोच लो, समझ लो। एक और बार पूछ रहा हूँ बेटा, बार बार नहीं पूछूंगा, अरे बातें नहीं, पूछो ये वाला, ये क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा वाला पोजीशन, ये वाला इप्सो होगा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में बोलो ऑर्थो कौन सा होगा, ये वाले के रेस्पेक्ट में, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा, और ये पेरा, किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग। अब बताओ इसमें ऑर्थो मेटा पेरा कौन सा होगा, इसमें ऑर्थो मेटा पेरा कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, सबका गलत है, बेंजीन में होता है, किस में होता है, ध्यान रखना। समझ में आ गया, समझ में हो गया, समझ में आ गया, इसमें मत डाल देना, तुम लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है। एक दो बच्चे पूछने आए थे, बेटा जब तक बेंजीन नहीं बनाएगा तब तक कैसे काम चलेगा, नाम ही अलग हो जाएगा, बीच में राउंड मारना जरूरी है। समझ में आया ये, समझ में आया ये सारे नाम, क्लियर हुआ किसी को, हाँ हाँ, ये उस साइड का ही करूँगा मैं रफ में से। यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को, बेटा बातें मत करो, बातें मत करो, बातें मत करो, पहले समझो। ये वाला समझ में आ गया तुम लोगों को, क्लियर हुआ फंडा कैसे करना है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है इसका, इसका तुम्हें लॉजिकली लगाना है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा नाम दिया तो बताओ क्या नाम होगा, एक थोड़ा टफ वाला देता हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे करना है। हाँ ये वाला बताओ, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट तो तीनों है, फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना है जो हम वन से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप होता है तभी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जब तीनों सब्स्टिट्यूएंट होगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, यहाँ से कर दो, वन टू थ्री फोर, अब बोलो नाम, टू क्लोरो फोर नाइट्रो, क्यों, एन तो बाद में आएगा ना, एम के बाद एन आता है ना, पहले थोड़ी ना आता है, वन मिथाइल, बोलो जल्दी नाम, फोर नाइट्रो बेंजीन,
अब समझ में आया नाम, अब समझ में आया तरीका कैसे है? तुम लोगों को खुद भी विजुअलाइज करना है इसको, ठीक है? कोशिश करो। किसी को डाउट है इसमें? आहिल आया नाम? नहीं आया, नहीं आया ना किसी को? तो इसका नाम ने लिख के बता दो फिर फटाफट, अगर आ गया है तो, इतना ज्यादा इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो इसका नाम लिख के बता दो। बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? सब बोलो नाम इसका। विनोल हो गया। इसका नाम क्या होगा? समझ में आ गया? आप नाम समझ में आ गया? समझ में आया? अब इसमें बताओ, इसमें ऑर्थोमेटा पैरा कौन सा होगा? चलो एक और क्वेश्चन, इसमें ऑर्थोमेटा पैरा कौन सा होगा जल्दी बता दो आप। ये भी बेंजीन ही है, बताओ इसमें ऑर्थोमेटा पैरा कौन सा होगा? किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं। मुझे पता था तुम लोग गलती करते तो फिर वो बताता मैं तुम लोगों को। ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखेंगे ऑर्थोमेटा पैरा, ठीक है? सब कंडीशन बता दिया तुम लोगों को, करो जल्दी जल्दी करो। अब इसके बाद यहां पर ये समझ में आ गया। और क्वेश्चन करें? और क्वेश्चन करना चाहते हो? और क्वेश्चन करना चाहते हो? ठीक है, और क्वेश्चन करना चाहते हो तो अब ये बताओ इसका नाम क्या होता है, जल्दी जल्दी बताते जाओ, जल्दी जल्दी बताना आप नाम फटाफट सब। इसका नाम टू मिथाइल फिनॉल। इसका नाम होगा टू मिथाइल फिनॉल, और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्रिसोल। ये नाम ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्रिसोल। अरे क्रिसोल आपको मैं वो इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा कहीं ना कहीं। इसका नाम क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका नाम क्या होगा? थ्री मिथाइल फिनॉल। और इसका नाम क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ये ऑर्थो पोजीशन पे CH3 था इसलिए ऑर्थो क्रिसोल। इसको क्या बोलेंगे? मेटा या पेरा? पक्का? तो इसको बोलेंगे मेटा क्रिसोल। तो पेरा क्रिसोल कौन सा होगा? हाँ, तो बस अब समझ में आ गया तुम लोगों को, समझ में आ गया। इसको ऐसे ही याद रखना है, इसको डेली पढ़ना है, इन सारे एरोमेटिक के नाम को डेली पढ़ना है। डेली पढ़ोगे तो याद रहेगा, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा बात? बात क्लियर हुआ? किस किस को समझ में आ गया? पक्का? बेटा राउंड करने इसको, बेटा जिसकी कॉपी में बेंजीन की जगह राउंड नहीं हुआ ना बेटा, वो तो उसकी कॉपी फेंक दूंगा मैं वहीं पर ही। बेंजीन की जगह बेंजीन ही बनना चाहिए, फिर तुम बाद में आके पूछोगे सर आपने गलत लिखा है। तुम लोगों की आदत में जानता हूं बहुत अच्छे से। अब इसका नाम बताओ, हो गया प्रैक्टिस? अब कर दोगे नाम, लिख दोगे नाम? अब हो गया प्रैक्टिस, अब इसका बताओ नाम। सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट है? अब तो सिंपल है, आप सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग करना है 1 2 3 4। अगर ऐसा लगा के देखना, आरएफपीडी तो लगा के देख, यहां से गए तो क्या आया? 1 पर 2 पर और 4 पर। और तू यहां से जाना चाह रही है, तेरे मर्जी बोल, गलत भी हो तो देखेंगे। 1 1 के बाद विच वन इज करेक्ट जल्दी बताओ अब। 1 4 इथाइल, वेरी गुड, 4 इथाइल, 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रो, बेंजीन। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसका नाम बोलो अब, इसका नाम बोलो, इसका नाम कौन बताएगा?
हाइड्रोक्सी। अब आया समझ में 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड किस चीज को आ गया? आ गया समझ में, ये 1 होगा ये 2 होगा, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अरे वाह, अब समझ में आ गया तुमको। अब इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया था तुम लोगों को, उसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई थी केमिकल बॉन्डिंग में, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। अगला देखो, अगला देखो इधर, यहां पर नेक्स्ट नेक्स्ट समझना बेटा, कल बेटा इस चैप्टर का टेस्ट भी ले सकता हूं मैं, कभी भी सरप्राइज टेस्ट 25 मिनट का, और पेपर रेडी है मेरे पास, जब मेरा मन करेगा उठा के लाऊंगा पेपर और सरप्राइज टेस्ट लूंगा, और किसी के भी 30 क्वेश्चन होंगे पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, और किसी के भी 100 से कम आए ना उसकी हालत खराब कर दूंगा मैं, सोच लो। और उसमें एरोमेटिक भर के दिया है मैंने, एरोमेटिक के 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पॉलीफंक्शनल के, और रिमेनिंग आगे वाले एल्किन एल्किन एल्काइन के, मैंने वो ही बता दिया। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 5 दिन तुम्हारे लिए खतरनाक है, 5 दिन में 2 टेस्ट हो जाएंगे कभी भी, और 25 मिनट से 26 मिनट नहीं दूंगा मैं। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, आप बोलो इसका नाम, इसका नाम बोलो सब। अरे बेटा सब बोलो नाम, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आप समझ में आ गया कैसे लिख रहे हैं नाम? आप बताओ एरोमेटिक का आसान है या फिर वो वाला आसान है, चेन वाला? एरोमेटिक का ज्यादा आसान है, अगर वो एरोमेटिक का आसान इसलिए क्योंकि आपको ये सारे याद हो चुके हैं, आप अगर याद नहीं होते तो यही सबसे टफ लगता, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। समझ में आया? और इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिकेसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिकेसिड। अरे ये ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसको समझ लेना, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, कहीं चेक कर लेना, वैसे ऐसे नाम नाम के मैं स्पेलिंग भी ध्यान नहीं रखता, यह क्लियर हुआ आप लोगों को? अगला मैं बोलना चाहूँ एक और नाम, एक और आप लिखोगे खुद से पक्का? जल्दी बताओ क्या होगा नाम इसका? फोर ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। अब समझ में आया? मैं वो अंडरलाइन करता था ब्रैकेट वाला, वो कहाँ यूज करना है अब तुम्हें समझ में आ चुका है, ठीक है? इतना ध्यान रखो, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? पक्का हो जाएगा याद, पक्का सोच लो। ये तुम्हें लॉजिकली तुमको ध्यान रखने सारे के सारे, ठीक है? इसमें ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? ये हो गया, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। लिखो लिखो, राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर, राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ, राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है? अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि तो तुम्हारे काम में आएंगे, ठीक है?
जल्दी से सबका बताना है बेटा, मैं लिख रहा हूँ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इसमें सब मिक्स है, पूरे के पूरे मिक्सअप है, जो आपने शुरुआत से लेके एंड तक पढ़े सबके सब आएंगे। अभी सारे रूल वाले आपको ध्यान रखने, ठीक है। तुमको एक और डीपीपी दे दी थी ना मैंने, हाँ तो वो मुझे पता है, बोलना क्या हुआ। इधर क्या जगह नहीं है बेटा, बेटा आ जा बैठ जा। अभी अभी चैप्टर खत्म हो गया, सुनना आज चैप्टर खत्म हो गया, कल से आके सीरियसली बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं अभी तो कर लेना। और सुनना, नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर मेरे से, नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर मेरे से, नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर आज खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब कल से हम लोग नया चैप्टर कर करेंगे, उसमें आके बैठना, ठीक है। बस आज खत्म हो गया, चल आजा बैठ जा, बैठ जा, एक काम कर, बैठ जा। वो मौसी को बोल दे चेयर के लिए, बैठ जा आके। हाँ सर को बोल दे। देखो इधर यहाँ पर बेटा, बातें नहीं, कोई भी बातें नहीं करेगा, तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना बेटा, बातें मत करो, क्यों मेरी बेइज्जती कराने में तुले हुए। चलो हो जाओ, बेटा तुम लोग लिखो ये सब। अभी हम एक साथ नेमिंग को फोकस करेंगे, हम सब साथ में करेंगे नेमिंग, ठीक है। बेटा एक काम, डीपीपी कोई भी अंदर रखो, अभी इसमें से क्वेश्चन करा रहा, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि तुम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखो, तुम लोगों को फिर से मिलेगा, फिर से करना है सारे क्वेश्चन, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी करो।
स्टार्ट करें। बीस क्वेश्चन ही करवाने बस इसके प्रैक्टिस के लिए। अब तुम्हारा ओवरऑल प्रैक्टिस एक साथ है ना वो हो जाएगा, फिर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री पे वाले पे क्वेश्चन कराऊंगा कंबाइन, ठीक है। फिर फाइंड द फंक्शनल ग्रुप इन दिस सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस पर भी कंबाइनली एक क्वेश्चन करा दूंगा, सब लेवल के एक एक क्वेश्चन करा दूंगा ताकि तुमको फिर से कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। देन आफ्टर तुमको अब घर से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और है ना कुछ है ना थियोरिटिकल क्वेश्चन कराऊंगा टर्म वाले, जो है ना टर्म का मीनिंग आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। होमोलोगस सीरीज समझ में आया कुछ कुछ, इन सब टर्म वाले क्वेश्चन बचे वो मैं आज नहीं तो कल मैं करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। अब देखो इसको इसके इसको समझो बेटा, एक एक करके नाम बोलो। पहले क्या करेंगे इसमें, ये पहले आइडेंटिफाई करो कि इसमें नेमिंग हम कैसे करेंगे। रिंग मानेंगे, रिंग को पेरेंट मानेंगे या फिर कार्बन चेन को, रिंग को मानेंगे। अब RFPD लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। और अब नाम क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो इसमें नाम, जल्दी जल्दी बोलो, 1.1 डाइमिथाइल, जल्दी बताओ सब बोलोगे नाम, अभी फिलहाल तो सब बोलोगे डाइमिथाइल 2-ethoxy साइक्लो हेक्सेन। आप समझ में आ गया नाम, क्लियर हुआ। तुमको इससे ज्यादा टफ नाम लिखा रखे मैंने, इससे ज्यादा हाई लेवल पे तुमको करवा रखा है मैंने। ये वाला बताओ अब नाम, अभी अभी आया था। अब RFPD देखो बेटा, अब यहां से लगाओगे तो भी सेम, यहां से लगाओगे तो भी सेम। देखो इधर समझना समझना, दो पॉइंट को पकड़ो। यहां से लगाएंगे क्लोरीन की तरफ से, अगर मैं यू घूमूंगा तो क्या आएगा बेटा, 1 पे क्लोरीन, 2 फिर 3 फिर 5। अगर मैं आयोडीन की तरफ से घूमूंगा तो आयोडीन की तरफ से अगर मैं घूमना चाहूंगा तो भी क्या आएगा, 1, 2, 3, 5, ठीक है। आप बताओ दोनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर RFPD फेल हो गया तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो क्लोरीन की तरफ से बोलो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, बोलो नाम अब, 5 बोलो नाम अब, नाम बोलो जल्दी से, 2-bromo 1-chloro 5-fluoro 3-iodo बेंजीन। बात क्लियर है, नेक्स्ट बोलो बेटा इसका नाम, नाम बोलो इसका बेटा फटाफट, अब फटाफट नाम बोलो इसका। इसमें ये चेन है, ये क्या है, चेन में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को भी सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को भी सेलेक्ट करते हुए चलना है मुझे। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, Type 1, जिसके पास कार्बन एटम है, सब पढ़ा है मैंने ये सब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नाम बोलो बेटा आप, बोलो 3.7 डाइमिथाइल, जल्दी बताओ, ऑक्ट, ऑक्ट हो जाएगा ना, ऑक्ट बोलो सब बोलो, 2.6 डाइईन, बोलो 1 अल बोलते हैं ना, अल बोलते हैं ना बेटा, इसका तो सफिक्स भूल गए तुम लोग, अब इसका सफिक्स क्या होता है, अल होता है, समझ में आया। इतना टिपिकल था ये, वही था सिंपल, इससे ज्यादा टफ तुम्हारी कॉपी में, कॉपी के एग्जांपल करो तो इससे खुश रहोगे। अगला बताओ ये वाला, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है पहले पहचानो, 2 फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से, CONH2 और CHO, अमाइड है और क्या है, एल्डिहाइड। अमाइड बढ़ा कि एल्डिहाइड बढ़ा, अमाइड बढ़ा या एल्डिहाइड बढ़ा बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर सिनर्जी टेबल, अमाइड, अमाइड बढ़ा या एल्डिहाइड बढ़ा, बोलो पक्का सोच लो, चलो तो अमाइड से ही नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बोलो नाम क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी से, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे ना, बोलो जल्दी से, 2-methyl, बोलो सब बोलो, 6 को क्या लिखेंगे, 4-methyl क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि कार्बन एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर आ रहा है। देखो कितने प्यार से हो गया। बोलो आगे ना। अरे बेटा सामने सब देखो, खुशी पे बाद में लिख लेना इसको, सामने देख लो पहले। हेक्सा हेक्स थ्री इन वन। आगे नाम, अब आगे नाम क्लियर हुआ क्या? ये टफ था। नेक्स्ट ये वाला बताओ, अब इसमें कौन को कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आइडेंटिफाई करो। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। क्लियर हुआ बात? ईस्टर है बेटा, ये दिख रहा है किसी को? नहीं आया पक्का? अब ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं बोलो? मेन फंक्शनल ग्रुप तो ईस्टर ही है, ईस्टर का सफिक्स कैसे लिखते हैं? अल्काइल अल्काइल एल्केनोइड। तो ये वाला ग्रुप क्या होगा? अल्काइल होगा। इसका तो नाम मुझे सबसे पहले बिठाना है, इथाइल। आगे बोलो आप। अब नंबरिंग 1 2 3 बोलो क्या होगा नाम? टो मिथाइल। बहुत बढ़िया, बोलो प्रोप टू इन वन ओएट, मतलब प्रोपेनोइट। प्रोप टू इनोइट, सिंपल बोल सकते हैं प्रॉप टू इनोइट। कंबाइन नहीं कर देंगे तो ये वाला ई गायब हो जाएगा। आप लोगों ने कहीं पढ़ लिया हो गलती से तो ठीक है। तो भी अगला नेक्स्ट वाला बताओ कैसे करोगे? अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? असाइल है कि कीटोन है? ढंग से देखो, असाइल हैलाइड है पक्का? हाँ, तो ये कौन सा है? असाइल हैलाइड, ये वाला है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे बेटा जल्दी बताओ? पकड़ लेंगे यहीं से 1 2 3 4 बोलो आप नाम, सब बोलो। थ्री मिथाइल ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। याद ही नहीं है तुम लोगों को, गंदे बच्चे हो तुम सब। हेलो कहा? नहीं, वो प्रीफिक्स है। इंडेक्स निकाल, इंडेक्स निकालो तुम। दो दो मिनट तब तक मैं इंक भर के लिखाता हूँ। इंडेक्स में चेक करो बेटा, इतना तक लिख लो तुम लोग, इंडेक्स निकालो। शॉर्ट में भी खत्म कर सकता था ये वाला टॉपिक। हाँ क्या बोला? तू तो इस क्लास में सबसे ज्यादा तेज है। आए बोलो, ये हो जाएगा। बताओ इसमें क्या करेंगे? बोलो सब बोलो। नंबरिंग नई बात बताइए तूने। 1 2 3 4 5 ये वाली नंबरिंग सही है कि ये वाली? समझ में आया? इस तरफ से जाएंगे तो 1 और 5 पर फंक्शनल ग्रुप है, इस तरफ से भी जाएंगे तो 1 और 5 पर फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप वाला आरएफपीडी फेल, देन आफ्टर डबल बॉन्ड वाला देख लेंगे। बात क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट? नाम बोलो, नाम बोलो, सब बोलो नाम। पेंट टू इन 1.5 डायल, घड़ी का। जल्दी बताओ अगला।
अगला बताओ कि कैसे क्या करोगे। ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है तुम्हारे लिए। इसका ओल्ड नाम लिखेंगे कि न्यू नाम? न्यू कन्वेंशन क्यों लिखेंगे? मोर देन थ्री फंक्शनल ग्रुप है क्या? तभी मैंने पूछा था 1 2 3 4 नाम बोलो। 2.3 डाइहाइड्रोक्सी, वेरी गुड। क्या आएगा 2.3 डाइहाइड्रोक्सी? आगे बोलो। ब्यूट, ब्यूटेन कौन लिखेगा? एन तो है ना, Ne9 को तो भूलना ही नहीं है, वो जुड़ चुका है तुम्हारे तुम्हारे 11 12 के सिलेबस से जुड़ चुका है वो अब परमानेंट। आगे बोलो। 1.4 क्या इजी टॉपिक है ये। अगला बताओ, ये वाला बताओ कैसे लिखोगे। सीधा नाम बोलो, तुम लोग देखते ही नाम बोलो। 2-hydroxy प्रोपेनोइक एसिड। अब समझ में आ गया? यही क्वेश्चन है उस डीपीपी में, ऐसे क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन भी तुम लोग मुझसे आके डाउट पूछोगे तो मैं क्या बोलूं बेटा तुम लोग? क्या तुम्हें डाउट पूछने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो क्या तुम्हें डाउट पूछने चाहिए डीपीपी में? तो सोच लो, तुम लोग एक भी डाउट नहीं पूछोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अगर पूछ भी लोगे तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा जरूर, डरो मत। इसका नाम बोलो, सीधा बोलो, पेन नहीं चलाना, सीधा नाम बोलो। 2-methoxy प्रोपेनॉल हो गया नाम। अब वो सब भी छोड़ना है हमको, सीधा नाम बोलना है 2-methoxy प्रोपेनॉल। इसका बोलो। अब इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है आइडेंटिफाई करो, कितने फंक्शनल ग्रुप है? एक ये ईस्टर है और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो विच वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब इसका बोल ही नहीं सकते हम लोग, बहुत बड़ा मतलब अति बड़ा। सबसे पहला ही आता है इसका सीनियरिटी टेबल में, फर्स्ट रैंक किसी की है? ठीक है, तो बताओ। 1 2 3 4 5 या ये वाला 5? नीचे वाला 5 मान के नाम लिखो। मैंने ये वाला कंडीशन बताया था तुम लोगों को और 2-3 जगह बताया है नीचे। नहीं नहीं, तुम लोग गलती करो ना, नीचे वाला 5 मान के नाम लिखो। अरे लिखो ना, गलती करो, नहीं लिख सकते ना तो फिर मानेंगे ही नहीं बेटा। गलती करो तब सीखोगे। मैंने ऐसा कंडीशन बना दिया है कि नीचे वाला 5 मान के आप नाम ही नहीं लिख पाओ, अपना दिमाग भी नहीं लगा पाओ। आप बताओ इसका नाम प्रीफिक्स में क्या होगा? प्रीफिक्स में ईस्टर का नाम क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनिल। बोलो इसका नाम क्या होगा? 4-methoxy कार्बोनिल कार्बोनाइल पेंट 3-in-1-oic acid। बेटा बहुत ज्यादा दूर चला गया नाम। अब इस वाला बताओ, ये वाला बताओ तुम लोग। अब ये वाला बताओ। अब ये वाला नाम थोड़ा सा अच्छा है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा है? अमाइड। और ये कौन सा है? कीटोन। बात क्लियर है? ये अमाइड और ये कीटोन, बात क्लियर है? अमाइड बढ़ा कि कीटोन बढ़ा? नंबरिंग करो। 1 2 3 4 या ये वाला 4? ये वाला 4 खुशी, ये वाला कोई सा भी, ठीक है बात क्लियर है? बोलो इसका नाम क्या बोलोगे? एन ब्रोमो। किसने बोला एन ब्रोमो? तुमने बोला? किसने बोला एन ब्रोमो? वेरी गुड। एन से कौन जुड़ा है? ब्रोमीन, तो ब्रोमो, एन ब्रोमो। नेक्स्ट बोलो नाम, बोलो। मजा नहीं आ रहा, तुम लोग धीरे बोल रहे हो। 3-methyl। अरे पूरे ग्राउंड में तुम, पूरे यहाँ पर तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, ऐसे बोलो मतलब तुम्हें आना चाहिए सब चीज एकदम कॉन्फिडेंस से। बोलो अगला। 2-oxo सब बोलो। ब्यूटेन अमाइड। अरे यार तुम लोग ऐसे कैसे बोलो, खाना खा के नहीं आए हो। बोलो अगला नाम बताया, ये वाला कैसा होगा?
सीधा बोलो, नाम बोलो, फॉर ब्रोमो, फॉर ब्रोमो एनिलीन, वेरी गुड, फॉर ब्रोमो एनिलीन, ये भी सही है। इसका एक और सही है, फॉर ब्रोमो, एक और लिखा था इसका नाम क्या लिखा था, एमिनो बेंजीन, ये भी सही है, ये भी सही है, फॉर ब्रोमो बेंजिनमाइन। समझ में आया, ये तीनों नाम इसके ध्यान रखने हैं। देखो एक के मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता जेई में, और तुम लोग गलत करके आओगे, इसका बताओ मल्टीपल चॉइस वाला नाम। ये एनिलीन नहीं हो सकता, NH2 नहीं है तो एनिलीन नहीं हो सकता, अपना दिमाग मत लगाना। अब जल्दी बताओ क्या बोलोगे, ये कौन सा ग्रुप है, CH3, ये कौन सा है, CH3, तो क्या बोलोगे, NN मिथाइल, बोलो जल्दी 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 जल्दी, या तो एमिनो बेंजीन बोलो, या तो एमिनो बेंजीन बोलो, या तो लास्ट वाला पढ़ो एक बार, बेंजिनमाइन, बेंजिनमाइन, या फिर क्या बोल सकते हो, NN डाइमिथाइल बेंजिनमाइन। क्लियर हुआ बेटा नाम, बोथ नेम इज करेक्ट, समझ में आया। अगला बताओ, ये वाला तो तुम लोग कर लोगे, फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, CN है ना, बड़ा कौन है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी जबरदस्ती, 1 2 3 4 5, बोलो नाम, 2 ब्रोमो, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, 5 हाइड्रोक्सी, वेरी गुड, अगला बोलो, बेंजीन, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, सही है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी सही है, बेंजीन बेंजीन नाइट्राइल भी सही है, ठीक है, बेंजीन ये भी सही है, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी सही है, बिल्कुल सही बोला उसने, उसने किसने बोला था बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल बोला बेटा, तो तुझे पाप लगेगा, तू इस जन्म में, तुझे नरक मिलने वाला है इस जन्म में, तुझे हेल मिलेगा, हेवन नहीं मिलेगा। आगे बोलो जल्दी से, आगे ये तो कीड़ा मकोड़ा आ गया, जल्दी बोलो आप फटाफट, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मुझे नहीं आ रहा ये, 1 2 3 4 5 6, क्या ये सही है, 7, ये वाला करो तो, यहाँ पर कितने फंक्शन ग्रुप, यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, अब यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो किसमें ज़्यादा आ रहे हैं, अब समझ में आ गया तुम लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया, RFPD लगाया तुम लोगों ने, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ तो रहा है, अब RFPD भी लगाओ। डर लग रहा है ना ऐसे, डर लग रहा है ना, अगर किसी को डर लग रहा है तो बोलो, मुझे बोलो हाँ या ना, डर लग रहा है, हाँ तो इसको ऐसे करो ना, देखो इसको ऐसे करो, देखो डर लगे तो डर के आगे जीते, बेटा बहुत ऊपर तक पहुंचा दूंगा तुझे, कभी जिंदगी में रिपीट नहीं मार पाएगा, देखो आप बताओ, ये यही है, अब ऐसे तो कर सकते हो तुम लोग, ये तो इजी लगेगा तुमको, पक्का सोच लो, बेटा वीडियो में नहीं है वो ये वाला, तुम आप बताओ जल्दी बताओ कैसे करोगे, लॉन्गेस्ट ये है ना,
1 2 3 4 5 6 7, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कितने आएंगे, तीन आएंगे चार आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूँ, मतलब लॉन्गेस्ट तो साथ ही का है, बात क्लियर है, ये वाला। अब इसमें यहाँ से जाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ से जाएंगे 2 3 4 5 6। अब देखो दोनों आर एफ पी डी फेल, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्लोरीन यहाँ से आ रहा है ना, क्लोरो। अब जल्दी बोलो, आप जल्दी बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी बताओ, 2 क्लोरो या इथाइल, 2 क्लोरो, 3 बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट है, थोड़ा इसको भी देख लेना मन से, देखो बोलो क्या आएगा, 4 2 ब्रोमो, बोलो 2 ब्रोमो प्रोपाइल, नेक्स्ट बोलो 2 क्लोरो 3 इथाइल, 5 6 डाइमिथाइल। क्या ये खतरनाक था, आप बोलो, जब भी ऐसा कीड़ा मकोड़ा मिले इसको ऐसे चेंज करो, उससे जल्दी होगा तुमसे एज कंपेयर टू दिस, तो उसको उसमें एंटर कन्वर्जन कर लेना है। देखो तुम्हें अब आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का कंप्लीटली रिवीजन तुम्हारा हो चुका है, कंप्लीटली हो चुका है बेटा, इससे ज़्यादा डेंजरस होते भी नहीं है, और होते भी है तो कर लोगे। किसी को और रिवीजन चाहिए और क्वेश्चंस, बेटा कॉपी में काफ़ी क्वेश्चन है, अगर कॉपी के क्वेश्चन कर लिए तो एम एस चौहान, हाँ डी के सिंह में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नाम का टॉपिक ही नहीं है, आई नो दैट, स्टार्ट फ्रॉम जीओसी, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को मानते ही नहीं है, बोलो ये अगला चैप्टर वही आने वाला बस, और वो दुनिया का सबसे इजी चैप्टर जाएगा तुम लोगों का। ये वाला समझ में आया, देखो शुरुआत के मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊँ, शुरुआत के 5 दिन अपने आप पे कंट्रोल रखना, पेशेंस रखना, क्योंकि मैं शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलूँगा। अभी अभी इसमें भी बताए थे ना बड़ी बड़ी बातें, आरएफपीडी बड़े बड़े नाम बता दिए थे तुम लोगों को, डर गए थे। हाँ शुरुआत में कौन सा आरएफपीडी, अब तुम्हें आदत पड़ गई ना उसकी, वैसे ही तुमको एंड में जाके जीओसी की आदत पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। सबको समझ में आया? अब देखो एक कॉपी के एग्जाम्पल करने के बाद लास्ट में ये मिक्स एग्जाम्पल हमेशा करके जाना, कॉपी आपके जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट है। अभी एक और नाम बचा हुआ है, अभी टाइम है तो मैं बहुत सारे नाम दिखा देता हूँ, और बात लड़की ने सही बोला है, लेकिन इसको इतना नहीं पता कि तू कोई सा भी नंबरिंग डाल दे, स्ट्रक्चर बनाता जा, ये क्या है बोलती जा, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, CH3, ये क्या है CH, ये क्या है, ये क्या है CH, ये क्या है, 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 इसके बगल में भी CH3 है, इसके बगल में क्या है CH2 CH CH3, और यहाँ पर BR सब्स्टिट्यूएंट छोड़ना, तो पहले स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लिख दे, सीधी लाइन के फॉर्म में बस, ठीक है। और कोई डाउट बड़ा, तुम लोगों को हर टाइप के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसा भी ज्योमेट्री देगा, क्या देगा, लाइन डायग्राम वाला भी तुमको कहीं ना कहीं बता दिया है मैंने, अब तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बात क्लियर है। अगर तुम्हें अब तकलीफ होती है तो इसका मतलब तुम लोग पागल हो।
जल्दी लिखो। लिख लिया? अभी 16 ही क्वेश्चन हुए बेटा, 30 क्वेश्चन का एक पूरा सेट कराऊंगा बस उसके बाद। हाँ वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, वो अभी 30 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा मिक्स का वाले, बस उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, कॉपी पढ़ना है बस। डीपीपी तो करनी पड़ेगी लेकिन कॉपी पढ़ना है बस, कॉपी को मेन फोकस करना है। ठीक है, या फिर लिखो तुम लोग एक चीज, डिफाइन, जल्दी लिखो बेटा। काफी है, इतने हो जाएंगे तुम लोगों से। कल एक और क्वेश्चन करा देंगे ऐसे ही कि राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग, कल एक और करा दूंगा तो इस तरीके से क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, देन आफ्टर जीओसी तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? एक गायब है इस लाइन में, एंड में बैठती थी ना एक, क्या नाम, वो क्या हो गया उसको, मोबाइल? अच्छा मुझे लगा मोबाइल कौन सा बीमारी आ गया। एक और थी ना पीछे पीछे बैठी हुई, वो अच्छा पढ़ती है। राउंड लगाना मत भूल बार बार, पहले राउंड लगा उसके बाद नाम लिखा कर बेटा। बेंजीन में राउंड लगाना मत भूलना, पहले बोल देता हूँ बेटा मैं, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसी में आता है। हो गया ना, अब ये तो छुपा के लिखना है। आगे लिखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो, एन एल कैन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, फर्स्ट लिखो एन एल कैन, एन एल कैन। सेकेंड लिखो आइसो एल कैन, थर्ड लिखो नियो एल कैन। हाँ बताया था ना मैंने, तुमने किया ना, बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो तुम ही बताओ, खड़े हो, क्या होता है एनएलकेन, एनएलकेन क्या होता है? हाँ बैठो, जब कोई आपका क्या नहीं हो बेटा, सब्स्टिट्यूएंट ना हो, मतलब ये अगर डायरेक्टली चेन होगा, ये अगर डायरेक्टली चेन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अगर क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है इसमें? नो सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन, नो सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन। लिख लो, नो सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन, नो सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, एन एल्केन, या फिर इसको बोलते हैं नॉर्मल एल्केन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एल्केन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या बोलेंगे? नॉर्मल एल्केन। अब बताओ इसके नेमिंग समझ लेते हैं, सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तुम लोगों को दो मिनट के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, दो मिनट के अंदर तुम लोग लिखो इसको। चार कार्बन है, चार कार्बन को क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। बेटा जब भी तुमको पूछे ना, अगर एन ब्यूटेन भी लिखा हो तो डरोगे नहीं, इसका नाम होगा एन ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा? एन ब्यूटेन। बात क्लियर है?
इसका नाम क्या होगा? बोल बच्चा बोल, सब बोलो, इसका नाम क्या होगा? एनहेक्सेन हो जाएगा नाम इसका, पक्का? डन, क्लियर हुआ? अगर मैं बोलना चाहूं तुम लोगों का सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या लिखा था? आइसोएल्केन। क्या होता है आइसोएल्केन? आइसोएल्केन क्या होता है जल्दी बताओ, आइसोएल्केन क्या होगा? देखो इन लिखो, इन इन एल्केन चेन, इन एल्केन चेन दिस, इन एल्केन चेन आइसो ग्रुप आर प्रेजेंट। आइसो ग्रुप क्या होता है देख लो, इधर समझ लो, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। इन एल्केन चेन आइसो ग्रुप आर प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड आइसो एल्केन, देन इट इज कॉल्ड आइसो एल्केन, देन इट इज कॉल्ड वॉट? आइसो एल्केन। बात समझ में आई? पॉइंट क्लियर हुआ? किस किस को पॉइंट क्लियर हुआ? ये वाला समझ में आया? अगर मैं बोलना चाहूं इसका नाम बताना, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग आइसो एल्केन, क्वेश्चन लिख लो, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग आइसो एल्केन। देखो इसका नाम क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। ये तुम्हें जनरल नेम है जो तुमको याद रखने हैं, ऐसे ही याद रखते जाओ। इसका नाम क्या होगा बोलो? कितने कार्बन है टोटल? छह है ना, तो इसको आइसो हेक्सेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ, लेकिन इसका आईयूपीएसी क्या होगा? टू ब्यूटाइल टू मिथाइल पेंटेन। लेकिन ये क्या है? आइसो ग्रुप में नेम, ठीक है, ये आइसो ग्रुप है ना, आइसो ग्रुप प्रेजेंट हो। अब ये बताओ कि इसका नाम क्या होगा? क्या यहां पर आइसो ग्रुप प्रेजेंट है? बताओ क्या यहां पर आइसो ग्रुप प्रेजेंट है? आइसो ग्रुप तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा, बीच वाले पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो यहां पर आइसो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। लिख लेना इसे, जहां पर हमारा आइसो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है काट देना, काट देना, यहां पर हमारा आइसो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ आइसो ग्रुप, दिस इज नॉट अ, तो इसका सिंपली आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, थ्री मिथाइल पेंटेन। ये आइसो ग्रुप है यहां पर? यहां पर आइसो ग्रुप है? अरे भाई बोलो साहब, नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे जाके लग जाता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट नियो, नियो एल्केन। पॉइंट को समझना, इन एल्केन चेन, इन एल्केन चेन नियो ग्रुप्स, नियो ग्रुप क्या होता है बेटा? इन एल्केन चेन नियो ग्रुप आर प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलेंगे इसको? नियो एल्केन। और नियो ग्रुप कौन सा है? ऐसे लगेगा, नियो ग्रुप ऐसा होगा बेटा आपका, ऐसा होगा नियो ग्रुप, ऐसा दिखेगा कुछ आपका। कैसा दिखेगा नियो ग्रुप? ऐसा दिखेगा, सोच लो, समझ लो, मान लो यही होगा नियो, और कोई नहीं होगा, ठीक है? तो बताओ क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। अगर मैंने इसका नाम बोलना चाहो तो इसका नाम क्या होगा? सबसे सबसे छोटा नियो ग्रुप कौन सा होगा? सबसे छोटा नियो ग्रुप कौन सा होगा? एक ही होगा, ये चार तो फिक्स है, एक कार्बन लगेगा, क्या होगा? नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा? अभी तक तुम लोग कैसे नाम लिख रहे थे इसका? टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप नियो पेंटेन। समझ में आया नियो आइसो और उसमें? लेकिन तुम्हें अभी समझ में नहीं आया है, अभी मुद्दे की बात अभी चालू होना स्टार्ट हुआ है, बस तीन चार टर्म्स बताने, देन आफ्टर तुम लोगों को आप पूरा टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला बताओ, इसका नाम बताओ, सब देखो सामने, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? नियो, नियो हेप्टेन होगा। क्या होगा इसका नाम? नियो हेप्टेन। क्यों होगा नियो हेप्टेन? क्योंकि ये वाला ग्रुप आपका प्रेजेंट है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? किस किस को कंसेप्ट समझ में आ गया?
कंसेप्ट किस किस को समझ में आ गया? प्योर प्योर कंसेप्ट समझ में आ गया, यही तो कंसेप्ट था और कुछ नहीं होता है। इसके बाद एक और पॉइंट है, और उसको लिख लेना एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नोमेनक्लेचर में भी एक्सेप्शन है, और ये स्पेसिफिक एक्सेप्शन है बेटा। तुम लोगों को इसका रीजन हाइड्रोकार्बन में जानने को मिलेगा, मैं लिखवाया भी था। ये कितना हो गया, ये 4, 5 ज्यादा हो गया, ये एक कम करना पड़ेगा बेचारे का। अब बोलो इसका नाम क्या बोलोगे? क्या इसके अंदर नियो ग्रुप प्रेजेंट है या आइसो भी है? इसको बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, इसको हम हमेशा बोलेंगे आइसो ऑक्टेन। क्या बोलेंगे? आइसो ऑक्टेन, ठीक है, आइसो ऑक्टेन। क्या बोलेंगे? आइसो ऑक्टेन। ये एक्सेप्शन है, ये किस लिए काम आता है? गाड़ी चलाते हो? गाड़ी चलाते हो? तुम लोग नहीं चलाते, तुम लोग छोटे बच्चे हो, ठीक है, बड़े बच्चे नहीं होंगे। गाड़ी चलाओगे तो उसमें इंजन वो आवाज़ मारता है, आवाज़ मारता है, फिर उसमें हम इंजन ऑयल डालते हैं। इंजन ऑयल क्यों डालते हैं? गाड़ी की स्मूथनेस बढ़ाने के लिए, गाड़ी की स्मूथनेस भी बढ़ जाए और साउंड भी ना आए। मतलब ये एक्चुअली ये क्या है कि एंटी नॉकिंग एजेंट, मतलब साउंड को कम करने वाला। और जो हमारा पेट्रोलियम होता है, जो हमारा पेट्रोल होता है, इंजन ऑयल, उन सब का जो मेजरमेंट करते हैं ना, वो ऑक्टेन नंबर के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? नॉकिंग का मतलब तो आप जानते ही हो, जानते हो ना नॉकिंग का मतलब? एंटी नॉकिंग। अब एंटी नॉकिंग एजेंट आपका हो जाएगा बेटा। आप एक और बात समझना, TELV आपका एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ये भी ध्यान रख लेना। टेट्रा वो इथाइल लेड, ये आगे मैं बताऊंगा TEL के बारे में, लेकिन अभी से ध्यान रखो एंटी नॉकिंग एजेंट कौन कौन से, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, ऐसा होता है ये लेड। ये हो गया ना, देख P कितने, ये इथाइल है ना, कितने इथाइल हो गए? 4। तो क्या बोलेंगे? टेट्रा पीबी क्या हो गया? ये तो था तुम्हारा ये। अब नेक्स्ट है ना, डेफिनेशन के लिए टाइम नहीं है, ठीक है, अगला डेफिनेशन समझाने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट लिखो होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट लिखो होमोलोगस सीरीज, सेकेंड लिखो सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी कार्बन, थर्ड लिखो टर्शियरी कार्बन, ठीक है। और डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल। ये तुम्हें, यह हम कल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो बेटा, तुम लोग एक बार DPP निकालो, 5 मिनट बचे। मैं DPP इसलिए ओपन करवाना चाहता हूँ आप लोगों का, कि आप लोगों को पता पड़ जाए कि कितनी सिंपल है, और पर क्वेश्चन नहीं मिले तो ये क्यों नहीं मिले, जोर से बोलना पहले आवाज नहीं आ रही, मेरे से ज्यादा आवाज है।
कम मार्क्स और थोड़े से कम मार्क्स, मार्क्स तो कम ही होंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लग रहा है तुमको? अरे वो तो सी लग रहा है, वो अलग बात है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा लग रहा है? हो जाएगा सेकंड? अरे बेटा आंसर मत बता, मुझे याद आता है। थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। और ये सीस और ट्रांस वाले तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं बताऊंगा। ये डाउट भी तो होगी कुछ ना कुछ, पता रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, जिससे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देगा वो, उसमें सीस और ट्रांस में बताया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी बताऊंगा। अभी जीओसी के बाद अगला टॉपिक ही वही आने वाला है, सीस और ट्रांस। उसमें बहुत करते हैं, जितना मन जाए उतना सीस और ट्रांस। एट भी क्वेश्चन बहुत आसान है, नाइन्थ भी बहुत आसान है। देख लो टीवी पे एक बार है ना, रजत मार लो कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है। अरे सब मजे मारो फटाफट। अरे इधर क्या, वो छोड़ ना तेरे से तो बता। इजी है एंड से बड़ा पर क्वेश्चन तुम लोगों को है ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड में भी कम टाइम लगेगा। और ये टाइमर सेट करके बैठना 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। और आंसर की 71 क्वेश्चन तो कोई नहीं देखेगा, तो चाहे स्टॉप करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो, ऐसा करो। इसको इसको कैसे करना है मैं बता देता हूँ तुमको। एज अ पेपर देना है, तो क्या क्या देना है बेटा? एज अ पेपर, ठीक है। जब तुम इसको एज अ पेपर देने की आदत डालोगे डीपीपी को, तो तुम यहाँ के पेपर कोई तरह की डीपीपी सॉल्व करने जा रहे हो। इसको एज अ पेपर तुम तो कर देना, टाइमर सेट करके बैठना, 40 मिनट में तुम्हारा ये डीपीपी कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनी हाउ बेटा कल इससे डबल या ट्रिपल लेवल पे मैं ना अपने मतलब लेवल 4 या 5 के आईयूपीएससी नॉमिनेटरी कुछ क्वेश्चन का कर कराऊंगा 15 से 20, जो लेवल मतलब जो मतलब सुपर एडवांस लेवल के होंगे कल वही कराऊंगा 15 क्वेश्चन। इसके अलावा इन क्वेश्चनों को तुम लोगों को टाइमर सेट करके 40 मिनट का टाइमर सेट करना है। 40 मिनट से 41 हो वही पे डीपीपी छोड़ देना है। इसका मतलब समझ गए? केवल केवल केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, 40 मिनट हो। और ऐसे नहीं करना कि घर जाकर पूरा बोल दे तो मैंने रिवाइज कर लो, डायरेक्टली अटेम्प्ट मारो, तब असली मजा आए। हमने कितना सीखा तब मजा आएगा। और जिसको लगता है कि रिवाइज कुछ कुछ पॉइंट मुझे देखने हैं, वो अगर देख के रखे, लेकिन 20 से 25 मिनट ना देख ले, लेकिन उसके बाद ना कभी भी डीपीपी करे ना, ये बात मान के चलना कि ऑन द स्पॉट सीधा करना है डीपीपी हमको। क्या मुझे ये बताओ, जेई के पेपर के पहले क्या तुम लोगों को 15 दिन पहले पढ़ने का टाइम देगा पूरा फिर से रिवाइज मारने का? नहीं ना, तो आदत बनाओ, जो सीखा है वो भी तुरंत अप्लाई करो। आपको सर सर क्या है? सेकेंडरी कार्बन तो बताया ना मैंने, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, सब बताया मैंने, ये सब बताया, सारे क्वेश्चन कर चुके हो, तो ये कर लेना है। किसको नहीं मिली? और जिसको नहीं मिली हो बेटा, जिसको नहीं मिली हो वो वैष्णवी से लेगा, लेकिन पहले मुझसे बात करेगा, ठीक है? हो जाएगा तुम लोगों से।